Everybody, whoever is watching right now, comment down below. Happy birthday, Moki, M-O-K-I. Let's go. Sunday market. Sunday market. Yeah. Make a mark. 7-8,000 rupees. Valentine's? Valentine's, kya bolte hai isko? जब मैं इंडिया से आया था ना, मैं वेजिटेरियन था और जापान में कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो मैंने सब कुछ शुरू कर दिया। रायता फैल रखा है इधर, रोटी फैल रखी है इधर, फ्राइड फिश है इधर। सिंपलिसिटी तो है, वीआईपी भी ट्रेन से आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। शुरुआत करते हैं, एक नए दिन की समय हो चुका है, सुबह 9 बजे। जी हाँ, तो मधु हो गई है रेडी, मैं भी होता हूँ रेडी, चलते हैं ऑफिस की तरफ। हाँ ये हो गया चकाचक तैयार, आज तो मिचिगन एकदम। पी रहे हैं कॉफी, प्रिंकल सिंह खा रहे हैं सैंडविच, मधु खींच रहे फोटोज अंदर आज। आज ये हमारा नया जैकेट है, नया है। आज निकल चुके हैं घर से, आज प्रिंकल भी जा रहा है स्टेशन तक। प्रिंकल का फोन वोन का कुछ काम है, BMW खड़ी है। प्रिंकल मेरे मामा का लड़का है, पटियाला से है, पंजाबी बोलता है लेकिन बोलता नहीं है। प्रिंकल की पिछले साल शादी हो गई है तो अपना नंबर वंबर मत छोड़ना कमेंट बॉक्स में। अरे हमारे महेश भाई पूछ रहे थे कि तुम ना इंडिया से ही पोर्क खाते हो या जापान जाके स्टार्ट किया। जब मैं इंडिया से आया था ना, मैं वेजिटेरियन था और जापान में कुछ ऑप्शंस नहीं मिला तो मैंने सब कुछ शुरू कर दिया, लेकिन मैं बीफ नहीं खाता हूँ, पोर्क चिकन बस। कल वाला व्लॉग देख के ना बहुत लोग गेस कर रहे हैं मैं क्या करता हूँ, करते रहो। आज गले में खिंच खिंच हो रही है, नदी का सीन देखो भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। स्ट्रोलर की मदद से जापान में 90% लोग ऐसे ही चलते हैं, बुढ़े लोग ना, क्योंकि चल नहीं पाते हैं और इनकी एज होगी 90+, और 90+ जापान में बहुत सारे लोग हैं। पिकअप कर दिया, गुड बाय, हम चलते हैं ATM की तरफ, थोड़ा पैसा चाहिए पैसा। आज भी 10-10 की। जापान में ना बहुत कैश चलता, अभी भी कैशलेस नहीं है जापान अभी, अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया इज मोर कैशलेस देन जापान। यहाँ पर ना अभी भी कई टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर सिर्फ कैश ही चलता है। एक बार मैं फंसा, हम गए थे ऑनसेन हॉट स्प्रिंग हकोने करके एक जगह, तो बहुत भाई बहुत एक्साइटेड थे कि चलो चलो चलते हैं, और इतना कैश नहीं था क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड ही होता हमेशा, वही यूज़ करता हूँ। तो जैसे अंदर बढ़े तो मैंने कहा भाई हाँ चलो क्रेडिट कार्ड भी सबको काट दो, कि क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है कैश, और कैश क्या, हम 4-5 लोग थे, कैश था बस 2 लोगों के लिए, तो फिर हम कोई नहीं जा पाए। तो अगर आप कभी जापान आओ तो कैश रखना साथ में, और यहाँ पर चोरी वोरी नहीं होती है, डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा वॉलेट छूट भी गया ना तो वापस घर पे देने आएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, चोरी नहीं होती जापान में बिल्कुल नहीं। चोरी से एक बात याद आई, अगर आपका कभी वॉलेट वगैरह खो गया ना जापान में तो कोई ना कोई ना पुलिस स्टेशन में दे देगा, लेकिन विश करना कि किसी फॉरनर के हाथ ना लगे, ये होता है। किसी फॉरनर के हाथ लग गया तो वो फिर नहीं मिलता, किसी जापानीज के हाथ लग गया ना तो वो 99% ऑफ द टाइम वो पुलिस स्टेशन में दे देगा और आपको कॉल आ जाएगा। अगर फ़ोन छूट गया ना ट्रेन वगैरह में तो लास्ट वाले स्टेशन पे जाओ, आपका फ़ोन वहीं जमा होगा। मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, ये वाला सीन, फ़ोन वाला सीन बहुत होता है।
वीआईपी आ रहा है उसके लिए सिक्योरिटी लगी है। सिंपलिसिटी तो है, वीआईपी भी ट्रेन से आ रहा है और वो जिससे मैं इतने भीड़ में पता नहीं चला सबने सूट पहना था। वीआईपी कौन है यार सिक्योरिटी वाला कौन है? चलो हमें क्या, हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, करते हैं काम। टी ले ली है रॉयल एकदम, करते हैं थोड़ी देर काम फिर मिलते हैं शाम को। पहले भी मेंशन किया होगा कि ये यहाँ पर ना एक यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी, उसके ये स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर लाइन पे लगे हैं। और ये आ गई है वो लंबी वाली बस जो आप लोग डेली देखते हैं, तो ये सब इसमें भर के जाएंगे। ये बस फ्री है यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ जी, हो चुका है काम खत्म, निकल चुके हैं घर के लिए। अरे कहाँ है, अरे हाउ इज योर डे? It's Smokey's birthday today, guys. Wish her happy birthday in the comment section, please. Everybody, whoever is watching right now, comment down below. Happy birthday, Smokey, Moki. Let's go. पहुंच गया हूँ जी अपने स्टेशन वाले सुपरमार्केट में। मधु का वेट कर रहा हूँ, वो आएगी फिर कुछ सामान लेंगे। जितने में वो आती है ना मैं तुमको दारू दिखाता है, इधर लौंडे लौंडे लड़कियां तुम देखना। ये देखो ये वाइन्स हैं यहाँ पर, बहुत सस्ती है, 500 या 250 रुपए की स्पार्कलिंग वाइन्स। देखो फर वाली 600 रुपए में। ये विस्कीज हैं, कौन सी विस्की थी यार वो इंडिया में ना बहुत लोग पीते हैं उसको, कहाँ गई वो? अरे ये अगर पी है किसी ने कभी बताना मुझे कमेंट में। और हाँ ये कहाँ गई वो, कहाँ गई? मेकर्स मार्क 700-800 रुपये की है। वैलेंटाइंस क्या बोलते हैं इसको, 1200 यन की है ना, यानी कि 600-700 रुपये की। टी शर्ट देख लो भाई, गुरुजी ये हैं गुरुजी। ये पता क्या, 500 ml वाली नहीं, 700 ml वाली बोतल नहीं, 1 लीटर वाली बोतल है। और ये है अभी आपकी 600 रुपये की, 600। और ये तो ये बड़े बड़े भी मिलते हैं इसके, देखो अभी ये देखो 2-2 लीटर के। ब्लैक लेबल है 2900 की, रेड लेबल है 1450। तो 2930 यानी कि 1700 की है ब्लैक लेवल, और 1450 यानी कि 800-900 रुपये की रेड लेवल। बियर बहुत सारी हैं, किसी अगले दिन दिखाऊंगा। ये सब बियर हैं अलग अलग टाइप की। वाइट फिश ले ली है, दिखाता हूँ घर जाके। ये देखो कौन आ गया चल सामान ले लिया, मैंने ले लिया जो लेना था। चल 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 जल्दी निकलो निकलो यहाँ से। मधु बनाएगी आज अरबी फ्राइड, काम करवाएंगे आटा गुंदेंगे, चाइल्ड लेबर। और किस लिए ला रखा था तुझे, तेरे को इंपोर्ट करा रखा हमने इंडिया से रोटी बनाने। आज कोई वो कर रहा था मैसेज वो कमेंट कि मधु कौन है, तुम्हारी सिस्टर है? मैं कहा नहीं दादी है मेरी। पहुंच गए हैं घर, बबलू बॉयल कर रहा है अरबी, आज हम अरबी फ्राई करेंगे। मधु का चल रहा है आटे वाला सीन, इधर आटा गूंदेंगे अभी और मैं करता हूँ एडिटिंग तब तक ना। आज तो मेरे को बढ़िया मिल गया। और पिंकल की है नाइट शिफ्ट, सो रहा है 1 बजे से, नाइट शिफ्ट के रात को 1 बजे से है। चलो हाला जी, यहाँ बन रही है रोटियां, सब्जी बना ली बबलू ने।
आज ये है आज का डिनर, रायता फैल रखा है इधर, रोटी फैल रखी है इधर, फ्राइड फिश है इधर, ये क्या अरबी है इधर, फ्राइड अरबी, और ये बबलू की बियर है यहाँ पे, और ये प्रिंकल का जूस है, प्रिंकल की चाय है, और हमें इधर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, आई विल सी यू गाइस टुमारो. थैंक यू फॉर subscribing, commenting, and everything you guys are doing is great right now. So keep supporting, keep watching. I'll see you tomorrow. Have a good night.